नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर EVS क्लास। दिस इज योर पूजा मैम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 7, हाउसिंग एंड क्लोदिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू रिमेंबर इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेज, मटीरियल यूज टू बिल्ड हाउसेज, राइट, टाइप्स ऑफ रूफ्स, cotton clothes, woolen clothes, right? Why we should to need to wear clothes, right? So these are the some topics that we covered in this chapter. Today we are going to solve the question back. So let's start. Our first one is question number 1. Choose the correct option, right? Here 4 options are given. We have to choose one correct answer for that. So, first one is houses with flat roofs are found in, right? Students, you have remember there are 3 types of roofs: slant roof, flat roof, and dome shaped roof, right? So here our question is, houses with flat roofs are found, फ्लैट रूफ होती है, ऐसे हाउसेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेसेस विथ हॉट वेदर, हिली प्लेसेस, कोल्ड प्लेसेस, प्लेसेस विच रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रेन, राइट। तो हमें ऐसे फ्लैट रूफ कहाँ देखने को मिलती है? सो स्टूडेंट्स, दैट इज करेक्ट आंसर इज प्लेसेस विथ हॉट वेदर, प्लेसेस विथ हॉट वेदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत कम बारिश होती है, ऐसी जगह पे हमें फ्लैट रूफ देखने को मिलती है। एंड स्लोपिंग रूफ कहाँ पे देखने को मिलती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, देयर वी फाइंड स्लोपिंग रूफ एंड डोम शेप। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वी फाइंड डोम शेप्ड रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इग्लू के पास क्या होता है? ए डोम शेप्ड रूफ, फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ, एनी ऑफ दिस, इट मीन्स इनमें से कोई एक। तो करेक्ट आंसर इज डोम शेप्ड रूफ। एन इग्लू हैज अ डोम शेप्ड रूफ। डोम शेप्ड रूफ मतलब ऊपर से जो गोल होता है, राइट, डोम की तरह उसका शेप होता है, उसे हम कहते हैं डोम शेप्ड रूफ। नेक्स्ट इज अ कच्चा हाउस मे बी मेड अप ऑफ, अ कच्चा हाउस मे बी मेड ऑफ, कच्चा हाउस किससे बना होता है? वुड, मड, सीमेंट और ब्रिक्स। यस, कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ मड, राइट। कच्चा हाउस जो है वो मिट्टी से बना होता है, और पक्का हाउस किससे बना होता है? सीमेंट, ब्रिक्स, राइट, वुड, पक्का हाउस, उन सब चीजों से बना होता है। नेक्स्ट इज हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ, ऐसा हाउस जो थिक क्लॉथ से बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए कारावेन, बी इग्लू, सी टेंट, डी मड हट। तो ऐसा हाउस जो थिक क्लॉथ से बना हो, कौन सा हाउस होता है वो? यस, करेक्ट आंसर इज टेंट। टेंट जो है वो एक फ्रेमवर्क होता है जिसपे बहुत ही थिक क्लॉथ से वो ढका होता है। नेक्स्ट इज हाउसेज विथ स्टिल्ट आर फाउंड इन, ऐसे हाउसेज जो स्टिल्ट पे होते हैं, वैसे हाउस कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? स्टिल्ट का मतलब होता है जो बैम्बूज या लकड़ी से उसको थोड़ा सा हाइट पे वो घर बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं स्टिल्ट। ए कोल्ड प्लेसेस, बी हॉट प्लेसेस, सी प्लेसेस नियर वाटर बॉडीज और हिल्स, ऐसे हाउस जो स्टिल्ट होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वैसे हाउस हमें मिलते हैं प्लेसेस नियर वाटर बॉडीज, उसको हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस, ऐसे हाउस जो वाटर से थोड़े से हाइट पे बनाए जाते हैं,
राइट, ऐसे हाउसेस को हम कहते हैं स्टिल्ट हाउस. तो करेक्ट आंसर इज सी वन. आई रिपीट द आंसर्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन. ए सेकेंड का है ए, थर्ड का है बी, फोर्थ सी एंड फिफ्थ वन ऑल्सो सी. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स वन. राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स वन. हेयर वी हैव टू राइट ट्रू फॉर विच इज ट्रू एंड फॉल्स वॉट विच इज फॉल्स, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इग्लू इज फाउंड इन हॉट प्लेसेस. इग्लू इज फाउंड इन हॉट प्लेसेस, इज इट ट्रू? जो इग्लू होता है, जिसका डोम शेप्ड रूफ होता है, वो हॉट प्लेसेस पे मिलता है, इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. इग्लू जो है वो हमें कोल्ड प्लेसेस पे मिलता है. तो योर आंसर इज फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉल्स. नेक्स्ट वन, मोस्ट हाउसेस अराउंड अस हैव अ फ्लैट रूफ. मोस्ट हाउसेस अराउंड अस हैव अ फ्लैट रूफ. हमारे घर के आसपास जितने भी घर है सबका फ्लैट रूफ होता है, इज इट ट्रू? कभी आपने नोटिस किया है, कभी आप घर के टेरेस पे जाते हो तो आपने कभी अपने आजू बाजू के जो भी जितने भी घर है उनको नोटिस किया है कि उनकी रूफ कैसी होती है? यस, एवरी रूफ हैज अ फ्लैट, राइट. एवरी हाउस हैज अ फ्लैट रूफ. तो राइट हियर ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू. नेक्स्ट इज डोम शेप्ड रूफ्स कीप्स एन इग्लू कोल्ड. डोम शेप्ड रूफ कीप्स एन इग्लू कोल्ड. जो इग्लू की जो डोम शेप रूफ होती है वो इग्लू को ठंडा रखती है, इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. राइट हियर ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू. नेक्स्ट इज पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूज टेम्प्रेरी हाउसेस. People who move from one place to another use temporary houses. जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं वो टेम्प्रेरी हाउसेस का यूज करते हैं, इज इट करेक्ट? टेम्प्रेरी हाउसेस वो हाउस होते हैं विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसे हाउस जो हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं टेम्प्रेरी हाउसेस. फॉर एग्जाम्पल कारावेन, टेंट, राइट, हाउस बोट, दीज आर द टेम्प्ररी हाउसेस. तो आंसर इज ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू. जो इंसान, ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं वो टेम्प्ररी हाउसेस का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वी वेयर वूलन्स इन समर. वी वेयर वूलन्स इन समर, इट मीन्स जो हम वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं वो समर सीजन में पहनते हैं, इज इट ट्रू? नो, वुलन हम कब पहनते हैं? विंटर में. तो योर आंसर इज फॉल्स, एफ ए एल एस ई, फॉल्स. एफ ए एल एस ई, फॉल्स. वी वेयर वुलन इन विंटर, नॉट इन समर. आई रिपीट ऑल द आंसर्स. फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन ट्रू, थर्ड वन ट्रू, fourth one true and the last one is false. Now question C, match the following. We have to match with their correct answers. So let's start. First one is flat roof. Flat roof कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? Hot places. Flat roof, hot places. तो first पे आप लिखोगे fourth one. यहाँ पे आप one number डाल सकते हो. ओके, फर्स्ट के सामने फोर्थ वन, यहाँ पे आप नंबर वन. सो आपको आंसर इजीली याद रहे. नेक्स्ट इज कोल्ड प्लेसेस. कोल्ड प्लेसेस में क्या देखने को हमें मिलता है? इग्लू, राइट. राइट हियर टू एंड यहाँ पे आप लिखोगे फिफ्थ वन. इग्लू हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन वेरी कोल्ड प्लेसेस. स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ हमें कहाँ देखने को मिलती है?
प्लेसेस रिसीविंग लॉट्स ऑफ रेन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमें स्लोपिंग रूफ देखने को मिलती है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्लोपिंग रूफ? स्लोपिंग रूफ के कारण क्या होता है, पानी जो है वो इजीली ग्राउंड पे स्लाइड अप होके गिरता है, या फिर स्नो ज़्यादा होता है तो स्नो जो है वो छत पे रुकता नहीं है, वो स्लाइड होके जो ज़मीन पे गिर जाता है. दैट्स वाई स्लोपिंग रूफ ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है. नेक्स्ट इज पक्का हाउस. नाउ पक्का हाउस इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट. ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो फोर्थ के सामने आप लिखोगे सेकेंड में और यहाँ पे आप लिख सकते हो फोर्थ. ओके फोर. नाउ लास्ट वन मड हट. मड हट कैसा होता है, कच्चा हाउस. इट इज़ अ कच्चा हाउस. फिफ्थ के सामने आप लिखोगे थर्ड वन, यहाँ पे आप नंबर फाइव डाल सकते हो. यो सो यू कैन रिमेंबर दिस आर द रोमन नंबर्स राइट. दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ओके सो आई रिपीट द आंसर. फर्स्ट वन का आंसर होगा फोर्थ, सेकेंड का फिफ्थ, थर्ड का वन, फोर्थ का सेकेंड एंड फिफ्थ का थर्ड वन. नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज. क्वेश्चन नंबर डी. गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पे जो हमें जो है वो टू टू एग्जाम्पल्स देने इन सब के राइट. तो फर्स्ट वन इज मटीरियल यूज्ड टू मेक अ पक्का हाउस. मटीरियल यूज्ड टू मेक अ पक्का हाउस राइट. अगर आपको याद होगा तो हमने मटीरियल्स विच आर यूज टू मेड हाउसेस टॉपिक पढ़ा था राइट. तो हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं पक्का हाउस बनाने में, लाइक वुड, सीमेंट, ब्रेक्स, आयरन रॉड्स राइट. तो आपको जो भी इजी लगे स्पेलिंग याद रखना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. फर्स्ट वन इज ब्रिक्स, सेकेंड वन इज सीमेंट. आप वुड भी लिख सकते हो, आयरन रॉड भी लिख सकते हो राइट. आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स के बारे में लिखना है, कोई भी टू नेम्स राइट. तो हमने तीन रूफ्स के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट वन इज फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड डोम शेप रूफ. तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लैट रूफ एंड स्लोपिंग रूफ. आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तीनों में से कोई भी दो. नेक्स्ट इज क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन. क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, ऐसे क्लोथ्स जो कॉटन से बने हो उनके हमें टू नेम्स लिखने हैं. सो शर्ट एंड फ्रॉक्स, शर्ट्स फ्रॉक्स राइट. आपको जो भी इजी लगे वो आप लिख सकते हो जो कॉटन से चीज बना हो राइट. नेक्स्ट इज नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट वन व्हाट इज एन इग्लू मेड ऑफ. व्हाट इज एन इग्लू मेड ऑफ, इग्लू जो है वो किससे बना होता है वो हमें लिखना है. सो आंसर इज एन इग्लू इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. एन इग्लू इज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. इग्लू जो है वो ब्लॉक ऑफ आइस से बना होता है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज अ पक्का हाउस. व्हाट इज अ पक्का हाउस. पक्का हाउस क्या होता है वो हमें लिखना है. हाउसेस डेट आर मेड ऑफ वुड, ब्रिक, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स आर कॉल्ड पक्का हाउसेस राइट. आई रिपीट द आंसर. हाउसेस डेट आर मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स आर कॉल्ड पक्का हाउसेस राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. Who uses a house that can be moved from place to place? Who uses a house that can be moved from place to place? ऐसे कौन से लोग ऐसा house use करते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पे use कर सके. तो ऐसा house कौन से लोग use करते हैं? Those people who travel from place to place. Those people who travel from
प्लेस टू प्लेस यूजेस हाउसेस डैट कैन बी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, राइट? लाइक नोमार्स, नोमार्स के बारे में आपने पढ़ा था, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज फाइंडिंग पेस्चर टू गेज देयर एनिमल, राइट? अपने एनिमल्स के लिए खाना ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ घूमते थे, वैसे लोगों को हम कहते थे नोमार्स, राइट? तो नोमार्स जो थे वो ऐसा घर का यूज, टेम्प्रेरी घर का यूज करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, लाइक टेंट. आई रिपीट द आंसर. दोज पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यूजेस हाउसेस डैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल नोमार्स. अगर ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू रिमेम्बर. ओके, नेक्स्ट इज वेयर आर स्टिल हाउसेज बिल्ट. वेयर आर स्टिल्ट हाउसेज बिल्ट. स्टिल्ट हाउस जो होते हैं वो कहाँ पे बिल्ट होते हैं? तो यार आंसर इज स्टिल्ट हाउसेज बिल्ट नियर वाटर बॉडीज. स्टिल्ट हाउसेज बिल्ट नियर वाटर बॉडीज और इन प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट. और इन प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, राइट? आई रिपीट द फुल आंसर नाउ. स्टिल्ट हाउसेज बिल्ट नियर वाटर बॉडीज और इन प्लेस वेयर इट रेन्स अ लॉट. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स. हेयर वी हैव टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स, राइट? जो हमने पढ़ा था डिफरेंट डिफरेंट रूफ्स के बारे में, वो हमें जस्ट नेम लिखना है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स आर फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड डोम शेप्ड रूफ. आई रिपीट द आंसर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स आर फ्लैट रूफ, स्लोपिंग रूफ एंड डोम शेप्ड रूफ. नाउ क्वेश्चन नंबर टू. What is the difference between a kacha house and a pakka house? What is the difference between a kacha house and a pakka house? It means के kacha house और pakka house के बीच में difference क्या होता है? Here you have to explain that. Okay? So your answer is kacha houses are made of bamboo, mud, straw and dry leaves. Kacha houses are made of bamboo, mud, straw and dry leaves. Whereas pakka houses are made of wood, bricks, cement and iron rods. This is your answer number 2. I repeat the answer. Kacha houses are made of bamboo, mud, straw and dry leaves, whereas pakka houses are made of wood, bricks, cement and iron rods. So students, here we complete the revision of chapter number 7. I will send the answer key in the WhatsApp group, so don't forget to complete your worksheet and revise the chapter. So students, here we complete our term 1 syllabus. It includes chapter 1 to 7. I hope you all will revise all the chapters. So, see you in next video. Till then, bye-bye and take care.